कराची का मसला दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन्स, कराची में गुज़श्ता रोज की शदीद बारिश से शहर डूब गया, 36 बरस का पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विद द रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन्स। वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर द काइंड ऑफ कैलेमिटी जो हुई। हाँ, हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं? आज सा छठा दिन है, इस इलाके की बिजली नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऐसा क्यों है कि ये शहर बारिशों के पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने बात की एक कराची बेस्ड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट से। तो सिंध में तो एक बहुत ऑब्वियस इशू है डिजाइन में कि द लैंड इज हियर एंड द कनाल इज हायर, सो दे जस्ट ओपन द गेट एंड इट फ्लड्स द लैंड। इन अदर प्लेसेस द कनाल इज समटाइम्स लोअर, सो दे पंप अप द वाटर, सो इफ देयर इज अ फ्लड देयर इज नो वे टू ड्रेन दैट वाटर। लेकिन इससे बड़ा मसला है ड्रेनेज का। ड्रेनेज को समझने के लिए इमेजिन करें कि कराची या कोई भी शहर एक बहुत बड़ा बाथरूम है। इवन इन अ स्मॉल बाथरूम अगर सारा पानी एक ड्रेन में चला जाए, आई थिंक इट्स वेरी इंप्रेसिव। मोस्ट बाथरूम हैव दीज अनइवन टाइल्स एंड मे बी दे मेक टू और थ्री ड्रेन्स इन द बाथरूम। पहली चीज नहीं हो रही कि वो पानी एक तो ड्रेन्स तक नहीं पहुंच रहा। Once it gets to the drains are clogged. Iske bare mein, I think a lot of people know plastic bags, but I mean, one of the things jo is a big issue is to even get the water through the drain. Isliye, Karachi jaise bade shahar ko ek bahut hi well-designed drainage system chahiye. Is shahar mein nale maujood to hain. In fact, ye hai in nalo ka ek map. According to Karachi Water and Sewage Board, इस शहर में 64 storm water drains यानी के नाले हैं। लेकिन मसला ये है कि इनमें से काफी नालों के ऊपर construction कर दी गई है, जिसकी वजह से ये एकदम useless हो चुके हैं। हमें कोई मुख्तलिफ drainage solutions ढूंढने की जरूरत है, जिनमें से एक option है infiltration ponds का। So अक्सर ये नई housing societies में कहते हैं 60% is green area और 50% is unconstructed area, and उसमें पार्क होता है, कुछ होता है, but this is something like that, but it's designed like a pond, so it's shaped like a, it's lower, तो वहाँ से खुदाई करके उसे एक pond बना देते हैं ताकि सारा पानी वहाँ जमा हो जाए, और उसके अंदर और छेद करे हुए होते हैं, like कुएं बनाए कि पानी अंदर जाए और ground में सीप हो जाए। कराची में extensive construction की वजह से soft या पोरस ग्राउंड बहुत कम है जो बारिश के पानी को जज्ब कर ले, तो फिर इस सूरत हाल में एक बहुत ऑब्वियस सलूशन बनता है ज्यादा ग्रीनरी यानी प्लांटिंग मोर ट्रीज। मोर फॉरेस्टेड सरफेसेस वी हैव द बेटर, सो ट्रीज आर अ गुड वे टू स्टॉप दिस फ्लड्स। सो ट्रीज के लीव्स जो हैं दे कैच द वाटर, सो इफ यू सी ड्यूरिंग द रेनफॉल एरिया अंडर अ ट्री विल बी ड्राई and after the rainfall it'll be wet, so wo aista aista drip karte hain, so they can actually hold a lot of water. Par Karachi mein jo ho raha hai wo sirf Karachi mein nahi ho raha, wo ek zyada bade aur global issue ki alamat hai, aur wo hai climate change, jo explain karta hai is issue ke pehle pehlu ko. So even if it's not this year, if this rainfall wasn't due to climate change, we do know that we will have more extreme events because of climate change. Ek international report ke mutabik intense rainfall ki frequency bahut tezi se badh rahi hai, jiski wajah se southeast asian countries mein flooding aur landslides zyada hoengi. But jo hamare glaciers hain wahan pe jab barf padti hai to wo jami hui rehti hai aur aista aista pigalti hai, to wo ek tarah se hamare ek bahut bada dam samajhte hain. To jab climate change zyada hoga to वहाँ की टेम्परेचर गर्म हो जाएंगे और वो स्नो हो सकता है बारिश की सूरत में गिरे, तो वो फॉरन है के नीचे आ जाएगी और वो स्टोर नहीं होगी, तो उससे फ्लड आएगा नीचे के बाद कहत पड़ सकता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो पानी आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएगा, वो एकदम से आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे वेदर पैटर्न ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। और सबसे खौफनाक बात है कि अभी तो हम ढेर सारी फ्लडिंग से सफर कर रहे हैं, लेकिन इस फ्लडिंग के बाद कहद आएगी। This might be coupled with droughts next year and then floods the year afterwards. So that's the tricky bit
कि यू हैव टू प्रिपेयर नॉट फॉर वन डिजास्टर, सो मे बी अभी फ्लड्स हो रहे हैं, एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, एंड देन दे फॉरगेट टू नोटिस के यू नो मे बी 2-4 इयर्स लेटर मे बी देयर इज लाइक अ 5-year drought. नेचुरल डिजास्टर्स ज्यादा बढ़ेंगे जिसकी वजह से इंसानी जानों को खतरा हो सकता है, बट टू सेव दीज लाइव्स हमें अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और बजट एलोकेशन को चेंज करना पड़ेगा टू प्रिपेयर फॉर व्हाट इज टू कम.